All medical tests of AFMC in a single video. Hello everyone, welcome back to channel. Myself Deepak, I'm currently second year MBA student at PTJNM Raipur. इस वीडियो में सारे के सारे मेडिकल टेस्ट रहने वाले हैं, जो भी होते हैं आपके दो दिन की एफएमसी स्क्रीनिंग में। सारे मेडिकल टेस्ट एक सिंगल वीडियो में, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पहले से काफी वीडियोस बना के रखी है एफएमसी मेडिकल्स के ऊपर, बट वो ब्रोशर के अकॉर्डिंग थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। तो इन दिस वीडियो आई विल बी इंक्लूडिंग ऑल द मेडिकल टेस्ट जो भी एफएमसी में होती है, और सारे मेडिकल टेस्ट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होंगे। कौन से सीक्वेंस में? जिस सीक्वेंस में सारे मेडिकल टेस्ट मेरे साथ एफएमसी स्क्रीनिंग में हुए थे, उस सीक्वेंस में सारे मेडिकल टेस्ट को रखूंगा। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि इस वीडियो में सारे मेडिकल टेस्ट रहने वाले हैं, तो शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट डू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली ताकि मेडिकल से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट और बचा ना रहे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, स्टार्ट करते डे वन से। एक्चुअली डे वन पे ज्यादातर मेडिकल्स नहीं होते हैं, डे टू को मेडिकल डे कहा जाता है, जहाँ पे सारे मेडिकल्स होते हैं। बट डे वन में दो मेडिकल्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डे वन में आपके तीन टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, और थर्ड होता है आपका एक्सरे टेस्ट। तो डे वन पे आप अपने इंटरव्यू के हिसाब से अपनी ड्रेस पहन के आते हो, अच्छी ड्रेस पहन के आते हो ताकि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। बट डे वन में आपके दो टेस्ट होते हैं, जिसमें एक एक्सरे टेस्ट होता है जिसमें आपको अपनी शर्ट और पैंट दोनों उतारनी रहती है। तो स्टार्ट करते हैं डे वन से। डे वन पे जो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद होता है आपका टॉयलेट टेस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टॉयलेट टेस्ट के बीच में, इन दोनों के टेस्ट के बीच में आपका होता है यूरिन टेस्ट और आपका ब्लड टेस्ट। आप सीढ़ी से ऊपर जाते हो फर्स्ट फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में जाके आपको अपना यूरिन सैंपल और ब्लड सैंपल देना रहता है। फिर वो सैंपल चले जाते हैं बायोकेमिस्ट्री लैब में, और आप चले जाते हो टॉयलेट टेस्ट देने के लिए। फिर इसके बाद जब साइड टेस्ट खत्म हो जाते हैं, जब आपके इंटरव्यू खत्म हो जाते हैं, उसके बाद होता है आपका एक्सरे टेस्ट। एक्सरे टेस्ट में क्या होता है, आपको एक बिल्डिंग टाइप का रहता है, हॉल टाइप का, वहाँ पे आपको लेके जाया जाता है। वहाँ पे जाके आपको अपनी ड्रेस उतारनी है, शर्ट उतारनी है, पैंट उतारनी है। आप अंदर जाते हो, वहाँ पे थोड़े यंग ऑफिसर्स, यंग डॉक्टर्स ही थे, वो लोग आपका एक्सरे टेस्ट करते हैं। आपका टेस्ट करेंगे, फिर आप वापस आ सकते हो घर। उसके बाद आपको डे वन से लीव मिल जाती है। तो मोस्टली आपके डे वन में सिर्फ दो मेडिकल टेस्ट होते हैं, एक आपको यूरिन और ब्लड सैंपल टेस्ट जो कि पहले हो जाएगा, और फिर एक जो लास्ट में थोड़ा रात का टाइम पे होता है वो होता है आपका एक्सरे टेस्ट। ये दो टेस्ट होंगे आपके पहले दिन में। सेकंड होता है आपका यूएसजी टेस्ट, जो कि होता है अगले दिन के सुबह स्टार्टिंग में। एक्चुअली क्या होता है, आपके डे वन में आपको दो शिफ्ट में लाया जाता है, एक सुबह का टाइम रहता है 7:30 बजे रहता है, और एक सेकंड शिफ्ट रहता है 10:30 बजे। बट अगले दिन में पूरी बैच को, जो फर्स्ट डे आई है, पूरी बैच को बुलाया जाएगा 6:30 बजे, सुबह के 6:30 बजे आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि आपका स्टार्टिंग से सारे मेडिकल टेस्ट करने वाले हैं, जो कि थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए आपको सुबह का काफी जल्दी बुला लिया जाता है। तो सुबह को सबसे पहला टेस्ट होगा आपका यूएसजी टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट। इसके लिए क्या हो जाता है, आपको फर्स्ट डे में कुछ चीजें कही जाती है, आपको फुल ब्लैडर आना है, आपको एक बार भी यूरिन करने नहीं जाना है, आपका जो पूरा ब्लैडर है फुल रहना चाहिए। ये आपको फर्स्ट डे में बता दिया जाता है, ताकि अगले डे में आप जब आप आओ तो आपका ब्लैडर फुल रहना चाहिए। तो सुबह के टाइम पे आप जाते हो एफएमसी में, सुबह 6:30 बजे जब आपका टेस्ट देना शुरू हो जाता है। हमारे टाइम पे क्या हुआ था, सितंबर में नीट का एग्जाम था, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में हमारा एफएमसी का स्क्रीनिंग थी। तो उस टाइम पे काफी ठंड का मौसम रहता है, और पुणे में वैसे भी ठंड का मौसम वैसे ही बना रहता है। तो सुबह के टाइम पे अपने यूरिन को रोक के रखे हो तो ये काफी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपने यूरिन को रोक के रखे हो और आपकी बारी नहीं आती है, तो आपको अपने यूरिन को काफी देर रोक के रखना पड़ता है उस ठंडे मौसम में। आपको एक रोल नंबर मिला रहेगा, आपकी 10 लोग की एक बैच बनी रहेगी। फिर एक एक करके आप यूएसजी के अंदर जाओगे, डॉक्टर साहब को गाइड करते हैं कैसे करना है, आपके ऊपर एक लिक्विड टाइप की कुछ चीज लगाएंगे, फिर आपको गाइड करेंगे, फिर आप उस पर लेट जाओगे, फिर उसके हिसाब से वो लोग अपने स्क्रीनिंग में देख करके इसको रिपोर्ट बनाएंगे, आपकी एक रिपोर्ट बुक रहती है उसमें वो डाल देंगे। तो हमारी बैच का यूएसजी सबसे पहले कंप्लीट हुआ था, अगर आपने पहले कंप्लीट होता तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपका यूएसजी काफी लास्ट में होगा तो आपको काफी देर तक अपने ब्लैडर को रोक के रखना पड़ेगा। इसके बाद आप जाते हैं अलग बिल्डिंग में, एक अलग बिल्डिंग में बाकी सारे मेडिकल टेस्ट होते हैं। जब यहाँ से वहां जा रहे हो आप उसमें डिस्कस कर सकते हो, साथ में आप लोग एफएमसी को घूमने का मौका मिलता है। जो भी आपके ऑफिसर्स हैं वो आपको बताते हैं कि यहाँ पे ये वाली जगह, यहाँ पे टेनिस खेलते हैं, यहाँ पे ये वाला ग्राउंड है, तो आप वो सब देखोगे तो आपको काफी बढ़िया जरूर लगेगा। तो आप पहुंच चुके हो अपनी बिल्डिंग में, सबसे पहले यहाँ पे होता है आपका डेंटल टेस्ट। डेंटल टेस्ट को मैंने एक वीडियो पहले बना के रखी हुई है, आप इस वीडियो को देख सकते हो, इसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है कैसे डेंटल टेस्ट होते हैं, क्या एग्जामिन किया जाता है, और कैसे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। डेंटल टेस्ट को पास करने के लिए आपको मेरे 40 पॉइंट्स चाहिए 22 पॉइंट्स में से। तो मैं बताता हूँ कैसे होता है, आपको एक हॉल में बैठा दिया जाता है, एक हॉल मतलब एक क्लासरूम टाइप का था, वहाँ पर सब स्टूडेंट बैठे हैं लाइन से, फिर एक एक करके स्टूडेंट नजर आता है। अंदर आप जाओगे वहाँ पे एक बॉल रखा रहता है, क्योंकि लिक्विड रहती है उसमें से वो लोग इक्विपमेंट को बाहर निकालते हैं, फिर उसकी वजह से आपके दांतों को काउंट करते हैं, देखते हैं एक बार आपके दांत एक बार इंस्पेक्ट करेंगे और बाकी ओरल का इंस्पेक्ट करते हैं, फिर आपको वापस भेज देते हैं, फिर आपका टेस्ट खत्म। बस इतना सब आपका डेंटल टेस्ट, इतना बता रहा हूँ, काफी तेज हो जाता है, आपको पता नहीं चलेगा, इतनी में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स द ईयर टेस्ट एंड आई टेस्ट, बट इससे पहले काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, वो होता है प्राइवेट पार्ट टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपको एक कॉरिडोर टाइप का था, वहाँ पे सब स्टूडेंट बैठे हुए थे लाइन से, एक ऑफिसर आता है, फिर हमें बोलते हैं कि आपको अपने ड्रेस को यहाँ पे बाहर निकालना है, मतलब आपको शर्ट और पैंट बाहर निकालनी है इस और बाहरी कॉरिडोर में रखना है। तो हम सारे बॉयज लाइन से बैठे हुए हैं, और यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि बॉयज का ये सारे टेस्ट अलग जगह पे होते हैं और गर्ल्स के काफी अलग जगह पे होते हैं, बट जो कॉमन टेस्ट है जैसे कि आई टेस्ट, ईयर टेस्ट, ईयर टू टेस्ट, डेंटल वाले, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दोनों का साथ में होता है। तो प्राइवेट पार्ट टेस्ट में हम लोग भी कॉरिडोर में बैठे हुए थे साथ में, हमने भी शर्ट और पैंट बाहर निकाली थी, हम सब यहाँ पे बैठे हुए लाइन से, हम लोग आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे उस टाइम, पता नहीं क्यों। फिर एक एक करके हम रूम के अंदर जा रहे हैं, रूम के अंदर एक एक करके नहीं जाते, बल्कि 2-3 भी एक साथ में जाते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ी कम थी, तो आपको एक बार में 2-3 शूट के अंदर बुला लिया जाता है।
अब अंदर चले गए हम लोग, फिर अंदर में हमें खड़े करके कुछ टेस्ट किए जा रहे थे, मतलब देखा जाता है परफेक्ट स्ट्रेट है या फिर कुछ कोई स्केलेटल डिफॉर्मिटी तो नहीं है। उसके बाद एक क्या होता है, अपने वो ग्रीन कलर के ब्लैंकेट्स देखे होंगे जैसे लगे रहते हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन होती है, वहाँ पे देखो लगा रहता है। तो आप ऐसे घूम के अंदर जाते हो और वहाँ पे एक ऑफिसर बैठे रहते हैं चेयर में, फिर वो खड़े हो जाते हैं, फिर आपको एग्जामिन करते हैं। वो आपको बोलेंगे अपनी अंडरवियर उतारने के लिए। ये पहला टाइम रहता है और इकलौता टाइम रहता है जब आपकी अंडरवियर उतरने वाली है। ये आपके साथ सिर्फ एक बार होने वाला है। एक्चुअली थोड़ा सा अजीब सा जरूर है, बट मैंने इसको पहले एक तक स्टॉक करके यूट्यूब चैनल था, मैंने वहाँ पे भैया की वीडियो देखी थी। तो वो लोग थोड़ा सा एग्जामिन करेंगे आपको, एक बार बोलेंगे बैठने के लिए, फिर आप नीचे बैठोगे वापस ऊपर आओगे, फिर बोलेंगे अपने अंडरवियर वापस पहन लो, अपने अंडरवियर वापस पहनना, फिर वहाँ से तुरंत भागना शुरू कर देना, वहाँ से भागना, बाहर आ जाना और अपनी शर्ट और पैंट वापस पहन लेना, आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। जो भी रिजल्ट रहेगा वो लोग अपने उस बुक में लिख देंगे। नॉर्मली यहाँ पर सब ज्यादा लोग पास हो जाते हैं, अगर कुछ सीवियर इन्फेक्शन है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है तब आपको शायद यहाँ पे वो लोग अनफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। जो भी अनफिट डिक्लेयर है वो सब उसको बताया, आपको बताया नहीं जाएगा, उसको उन लोग बुक मार्क में कर देंगे, फिर आपको ये सब लास्ट में पता चलता है। लास्ट में कैसे पता चलेगा उसको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो अभी आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर हम लोग कॉरिडोर वापस अपनी शर्ट पैंट पहन लेते हैं, फिर हम सब एक साथ बैच हमारी पूरी वापस बाहर जाती है। आपकी 10 लोग की बैच सारी मेडिकल टेस्ट में एक साथ रहेगी, आपके दोस्ती उन 10 लोग से काफी बढ़िया जरूर बन जाएगी। तो यहाँ से अब हम लोग जाते हैं अपने जो बचे टेस्ट है, ईयर टेस्ट और आपका आई टेस्ट में। ईयर टेस्ट बोल रहा मतलब ईएनटी टेस्ट आपका पूरा होगा। यहाँ पे क्या होता है, एक कॉरिडोर रहता है, वहाँ पे एक मैम रहेगी या फिर कोई सर हो सकता है, ऑफिसर हो सकते हैं, वो आपसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में खड़े रहते हैं, उस तरफ मुंडी खड़े रहते हैं, फिर वो लोग वहाँ से कुछ वर्ड्स को विश्व करेंगे, आपको उस वर्ड को सुनना है और उसको रिपीट करना है। इससे कुछ पॉइंट्स होते हैं आपको मिलते हैं, अगर आपने पर्टिकुलर आधे वर्ड से आपको ज्यादा वर्ड सही बता दिए तो आप इस टेस्ट को पास कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूँ आप इस वीडियो को, मैं देखो कुछ वर्ड्स को विश्व कर रहा हूँ, आप बताना कि कमेंट सेक्शन में कौन से वर्ड थे, मतलब इस तरीके से आवाज आती है, मैंने 42 बोला था, मैं बता दिया। बट अगर आपको ये आवाज सुनाई दे रही है, आपको अच्छी आवाज सुनाई देती है, अगर आपके ईयर्स नॉर्मल है या फिर थोड़ी भी अच्छे हैं तो भी आपको आवाज आराम से सुनाई दे देगी। एक स्टूडेंट ने एक गलत बताया था जो मेरे आगे वाला था, जो पीछे वाला स्टूडेंट रहता है उसको पता चल जाता है आगे वाला गलत बता रहा है, सही बता रहा है, तो उसने एक गलत बताया था तो वो भी इसके लिए अनफिट नहीं हुआ था। तो अगर आप एक दो गलत बताते तो भी चल जाएगा। तो पहला आपका विश्व टेस्ट होता है, इसके बाद आप जाते हो अंदर, अंदर में आपका ईएनटी टेस्ट पूरा होता है। ईएनटी टेस्ट में क्या होगा, आपके सामने एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन रहती है, उसको आपको देखने नहीं मिलेगा, वो लोग डॉक्टर्स देखते हैं। आप चेयर में आराम से बैठ जाओगे, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस बैठना है और एग्जामिन करने देना है। उनके पास एक बड़ी सी रीडर होती है जो कैमरा टाइप की होती है, उसको वो लोग सबसे पहले आपके कान में डालेंगे, आपके कान के अंदर डालते जाएंगे, आपको अंदर फील होगा थोड़ा सा, उसको देखेंगे अंदर से एग्जामिन करेंगे, फिर उसे बाहर निकालेंगे। मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि मैंने अपने कान में ईयरबड से जिससे कान साफ करते हैं, मैंने उससे कुछ ज्यादा साफ कर दिया तो मेरा कुछ ब्लड आने लगा था, तो फिर उनको वो दिख गया था, तो फिर डॉक्टर्स ने स्पाइल भी किया था, बोला था कि तुमने कान साफ कराया, तो मैंने बताया कि मैंने कुछ साफ किया तो शायद थोड़ा सा ब्लड आ गया, वो लोग उससे मान लिया था। इसके बाद वो लोग उसे बाहर निकालेंगे, फिर उसको आपके नोज में डालेंगे। नोज में कैसे एग्जामिन करेंगे, आपको अपनी मुंडी को टिल्ट करने बोलेंगे, फिर आपके नोज में डालेंगे, काफी अंदर तक डालते हैं, आपको अच्छा खासा फील होगा। इसके बाद थर्ड होता है आपके माउथ में डालते हैं, फ्रेंच को चेक करेंगे, अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन मिलता है फिर कुछ और डिफॉर्मिटी मिलती है तो वो लोग आपके बुक मार्क में मेंशन कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ से बाहर आते हैं, फिर मैं दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हो कि कैसा रहा टेस्ट, और यहाँ पे काफी कुछ मजाक होता है क्योंकि ये जो एंट्री वाला टेस्ट रहता है ये काफी ज्यादा एंटरटेनिंग रहता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आई टेस्ट की तरफ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी स्टूडेंट आई टेस्ट में अनफिट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी आई टेस्ट। आई टेस्ट में सबसे ज्यादा स्टूडेंट एलिमिनेट होते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आई टेस्ट में सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप सभी स्टैंडर्ड्स में पास होते हैं तभी आपको आई टेस्ट में पास किया जाएगा। बट इन सभी स्टैंडर्ड्स में सबसे मेन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो सबसे पहले होता है आपका आई टेस्ट में जो आपकी लेंस की पावर है वो -3.5 +3.5 से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए, -3.5 और +3.5। इसके अलावा कलर ब्राइटनेस टेस्ट है, अगर आप उसमें भी फेल होते हो तो भी आपको अनफिट डिक्लेयर कर देंगे। एक काफी इंपॉर्टेंट है स्टनल्स आई चार्ट टेस्ट, ये तीनों टेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी काफी सारे टेस्ट होते हैं। यहाँ पे फनी चीज थी, हमारे साथ हमारे बैच में एक स्टूडेंट था जो कि स्पेक्स पहनता नहीं था, बट उसका आई टेस्ट में 4 आ गया था, मतलब -3.5 +3.5 से काफी ज्यादा 4 आ गया था डायरेक्ट, जबकि वो स्पेक्स पहनता भी नहीं है। तो अगर आप ये सोचते हो कि आप स्पेक्स नहीं पहनते हो फिर भी आप डेंजर जोन में जरूर हो। तो आई टेस्ट में बस इतना ही, मैं आपको 2 मिनट टेस्ट के बारे में बताने वाला हूं, स्टनल्स आई चार्ट टेस्ट और फिर कलर ब्राइट टेस्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पहले टेस्ट के साथ, स्टनल्स आई चार्ट टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, आपके सामने एक 6 मीटर की दूरी में एक चार्ट रख देंगे, आपको 6 मीटर की दूरी में बिठा दिया जाएगा, फिर आपसे क्या हो जाएगा उस चार्ट में जो भी लेटर्स लिखे हैं उसको रीड करेंगे, सबसे ऊपर लाइन में लेटर्स रहेंगे, उसके नीचे लेटर्स रहेंगे, उसके नीचे लेटर्स रहेंगे, वो सारे लेटर्स आपकी आईज में आके एक एंगल बनाते हैं, उसके हिसाब से कुछ प्रिंसिपल रहते हैं। तो आप लेटर्स को रीड करना स्टार्ट करोगे, पहले लाइन को रीड कर लोगे, अगले लाइन कर लोगे, अगर आप पहली लाइन जो मोटी काफी बड़ी रहती है अगर आप उसको रीड कर लेते हो आपको मिलता है 636 पॉइंट, फिर अगला उसके नीचे लाइन रीड कर लो छोटी हो जाती है, छोटी होती जाती है, अगर आप उसके नीचे रीड कर लेते हो आपको 624 मिलता है, फिर 618 ऐसे मिलता है। तो अगर आप नीचे की लाइन लास्ट वाली लाइन को रीड कर लोगे आपको मिलता है 65.65 आपको स्कोर मिलता है, उसके ऊपर 66 मिलता है। अगर आपको 66 मिल रहा है फिर 65 मिल रहा है, दोनों ही नॉर्मल होता है, आप दोनों में स्कोर भी लेते हो आपको नॉर्मल मिलता है। मैं यहाँ पर डर गया था, मुझे 65 मिला था, जबकि मेरे बाकी स्टूडेंट्स जो फिट थे उनको 66 मिला था, तो मुझे लगा था कि मैं फिट हो जाऊंगा कि मुझे 65 मिला है, और मुझे बाद में पता चला कि 65 भी फिट होता है। तो अगर आपको 65 मिल रहा है, 66 मिल रहा है, इस टेस्ट में आप फिट हो। सेकेंडली कलर ब्राइटनेस, इसमें क्या होता है आपके पास एक चार्ट होता है, आपको उसे ओपन करना रहता है, उसमें कुछ लेटर्स लिखे रहते हैं, आपको हिडन रहेंगे, अगर आप कलर ब्राइंड हो तो आप
लेटर्स को नहीं पढ़ पाओगे, बाकी जो नॉर्मल पर्सन है उस लेटर्स को पढ़ लेंगे। आप उसे पढ़ते जाओगे, फिर आखिर में क्या होता है, आखिर में 3 से 4 पेट ऐसे होते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन नहीं पढ़ पाएगा बट एक कलर ब्लाइंड पर्सन उसको पढ़ लेगा। कलर ब्लाइंड पर्सन 3 टाइप के होते हैं, रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर के। आप जिस भी टाइप का कलर ब्लाइंड पर्सन हो उससे पता चल जाता है चार्ट की वजह से कि आप कौन से कलर ब्लाइंड हो। तो मेरे ख्याल से अगर आप किसी भी टाइप का कलर ब्लाइंड पर्सन हो तो आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम जाते हैं पीए डिपार्टमेंट में। पीए डिपार्टमेंट में आपकी हाइट और वेट वाले सारे टेस्ट होते हैं, जबकि आपकी एज 14 से ज्यादा है फिर भी आपके सारे टेस्ट होते हैं पीडी डिपार्टमेंट में, क्योंकि वहाँ पर सारे हाइट और वेट वाली चीजें रखी रहती है। आप जाओगे कॉरिडोर में, वापस से आपको बिठा दिया जाएगा कॉरिडोर में, वापस से अपनी शर्ट और पैंट बाहर करोगे और फिर अंदर जाओगे। अंदर जाने के बाद आपका हाइट दिया जाएगा, आपका वेट दिया जाएगा, आपके शूज सब बाहर रहेंगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप शूज में से अपने हाइट को बढ़ा लोगे तो ऐसा नहीं होगा। सॉक्स भी शायद खोल देते हैं, आप अंदर जाओगे सॉक्स खोल के अंदर खड़े रहोगे, आपकी हाइट नाप ली जाएगी, उसके बाद आपका वेट नाप लिया जाएगा, फिर उसके हिसाब से बीएमआई के हिसाब से देखा जाएगा। जैसा आपको मालूम है कि बीएमआई के हिसाब से हाइट और वेट की एक रेंज दी गई है एफएमसी ने अपने ब्रोशर में, मैं उसको भी यहाँ पे पूछ रहा हूँ इंक्लूड करने की। तो इसके हिसाब से अगर आपकी इस हाइट है, एक पर्टिकुलर हाइट है, उस हाइट के हिसाब से वेट की रेंज दी गई है, आपकी हाइट और वेट की रेंज लगभग मैच करनी चाहिए। अगर बहुत कम डिविशन है तो चल जाएगा, मगर काफी सारे डिविशन है, आपकी वेट बहुत ज्यादा है, वेट बहुत कम है, तो आपको अनफिट डिक्लेयर कर देंगे। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट एलिमिनेट होते हैं, एक आई टेस्ट और सेकंड आपका वेट टेस्ट, ओवरवेट होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्योंकि नीट के टाइम पे स्टूडेंट ज्यादा फिटनेस नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उनका वेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपके हाइट के हिसाब से वेट काफी ज्यादा हो जाती है। मतलब आपके दोनों हाथ आ गए हैं, आप सिर्फ अंडरवेयर पहने और आप वहाँ पे जंप कर रहे हो, सोचो कितना बढ़िया लगता है। दो ऑफिसर अंदर बैठे हैं, वो दोनों बैठ के आपको दिख रहे रहते हैं, आप अपने दोनों हाथ आगे कर रहे हो, अंडरवेयर पहने और फिर जंप कर रहे हो। इसके बाद आप वापस यहाँ पे एक बेड टाइप का रहता है, वहाँ पर लेट जाओगे, फिर लोग कुछ एग्जामिन करते हैं, ये आपका लास्ट टेस्ट रहता है। यहाँ से आप बाहर जाते हो, फिर अपनी सारी जो भी चीजें उसको पहन लो, मैं अपना बेल्ट में भूल गया था, वापस आया था, भागते अपना बेल्ट वापस लेने के लिए, तो यहाँ पर आप वापस पहन लो। फिर यहाँ से हम जाते हैं मेडिकल बोर्ड की तरफ, आपके सारे मेडिकल टेस्ट खत्म हो चुके हैं। अगर कोई मेडिकल टेस्ट में आप अनफिट रहते हो तो आपको बता दिया जाता है, ताकि आप अगले दिन आकर के वापस उसी डिपार्टमेंट में जाकर वापस अपना टेस्ट करा सको। वो कैसे होगा उसको हम आगे देखने वाले हैं। तो अब आपके सारे मेडिकल टेस्ट खत्म हो चुके हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं मेडिकल बोर्ड की तरफ। मेडिकल बोर्ड वहाँ से थोड़ा सामने में रहता है, आप जाते हो सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ते हो और फिर आपको लाइन से बिठा दिया जाता है। लाइन से आप लोग बैठे हुए एक एक करके आपको अंदर बुलाया जाता है। अंदर में 3 ऑफिसर्स रहते हैं, एक टेबल रहती है, 3 ऑफिसर सामने बैठे रहते हैं, इंटरव्यू टाइप का आपको लगेगा। आपकी जो मेडिकल बुक रिपोर्ट है उसको लोग पढ़ेंगे और फिर आप सारे रिपोर्ट्स में चेक करेंगे और फिर बताएंगे आप मेडिकली फिट हो या फिर अनफिट हो। दिस इज द डिसाइडिंग प्लेस। ये करीब 2 बजे 3 बजे होता है दोपहर में, जब आप वहाँ जाकर बैठते हो। तो मैं अंदर गया था, मुझे बुलाया गया था, रोल नंबर के सबसे बुलाया जाता है, मैं अंदर जाकर बैठा हुआ हूँ और फिर वो लोग उस मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं। उन्होंने सारी रिपोर्ट को पढ़ी, फिर मेरे बारे में थोड़ा पूछ रहे थे आप कहाँ से हो, क्या करते हो, ये सब सब थोड़ी मतलब थोड़ी सी इंटरव्यू टाइप लेंगे। फिर वो लोग आपको सारी रिपोर्ट पढ़ लेंगे, फिर वो लोग बताएंगे आपको कि आप मेडिकली फिट हो फिर मैं फिट हो। उन्होंने मुझे कहा था, दीपक यू आर मेडिकली फिट। जब ये सुनते तो आपको काफी बढ़िया लगता है, अगर आप मेडिकली अनफिट हो तो कौन से टाइप से मेडिकली अनफिट हो वो आपको उसमें बता देंगे। तो वहाँ से वापस बाहर आते हो, हमारे 10 की बैच में सिर्फ 2 लोग मेडिकल फिट हुए थे डे 1 में, वापस से कुछ लोगों ने रीओपन किया था, उसके बाद मुझे मालूम क्या हुआ था उसके बाद, बट फर्स्ट डे में 10 लोग की बैच में 2 लोग मेडिकल फिट हुए थे। वहाँ पे जितने भी रहते हैं उसमें बहुत कम लोग मेडिकल फिट होते हैं फर्स्ट डे में। एंड रिमेंबर मेडिकल जहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं, और एक बार जो गर्ल्स के लिए रहते हैं जहाँ पे बॉयज का प्राइवेट टेस्ट होता है, गर्ल्स लोग के लिए गायनेकोलॉजी टेस्ट होते हैं जहाँ पे आपके गायन टेस्ट किए जाएंगे, गायनेक एग्जाम्स किए जाएंगे, वो अलग जगह होती है। जैसे मैंने पहले कहा था बॉयज का अलग जगह होता है, गर्ल्स का अलग जगह होता है, बाकी जो मेडिकल टेस्ट होते हैं आई टेस्ट, ईयर टेस्ट, डेंटल टेस्ट, ये सारे कॉमन होते हैं, एक जगह पे होते हैं। तो अब जब आपके सारे मेडिकल टेस्ट खत्म हो चुके हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि अब आप यहाँ से घर जा सकते हो। आपके डे 2 खत्म हो चुका है, सारे मेडिकल टेस्ट खत्म हो चुके हैं और डे 1 में आपका सारे इंटरव्यू टॉयलेट सब चीज डे 1 में खत्म हो चुकी थी, तो आप फाइनली घर जा सकते हो। घर जाने से पहले एक गैदरिंग होती है, लाइन से आपको खड़े कर दिया जाता है, सभी को जो लोग यहाँ से मेडिकल फिट है उनको सामने बुलाया जाता है और फिर बताया जाता है मेडिकल फिट हो, आप यहाँ से फिट हो, आप यहाँ से घर जा सकते हो, मेरिट लिस्ट का वेट करो, अगर आपको इंटरव्यू अच्छा गया, बक्सीज अच्छी गई है तो आप मेरिट लिस्ट में जरूर आ सकते हो। सेकेंडली, जिन लोग यहाँ पर मेडिकली अनफिट हुए हैं किसी भी टेस्ट में, उनको एक चांस मिलता है रीअपील करने का। रीअपील क्या होता है, आप 40 रुपीज़ देते हो, 40 रुपीज़, इसकी मदद से जो भी टेस्ट में आप मेडिकली अनफिट हुए आपके पास एक चांस है रीअपील करने का, वो टेस्ट आपका फिर से किया जाएगा अगले दिन आपका वो टेस्ट वापस से किया जाएगा। अगर आप फिट हो जाते हो तो आपके लिए अच्छी बात है, आप उस टेस्ट से मेडिकली फिट हो जाओगे, बट अगर आप अनफिट होते हो तो वापस अपने घर जा सकते हो, आपको एफएमसी नहीं मिलेगा, आप किसी और बढ़िया मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको पहले अच्छे मार्क्स है नीट में तभी आप एफएमसी में आए थे,
तो आप किसी और मेडिकल कॉलेज में FMC को छोड़कर अप्लाई कर सकते हो। सेकंडली, अगर किसी स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो वो भी FMC को छोड़ करके किसी और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। अगर उसको FMC नहीं चाहिए तो आप फ्री में आ सकते हो FMC में, सारे मेडिकल टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको FMC चाहिए तो आप ले सकते हो, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप FMC को छोड़ सकते हो, इवन मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया तो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेडिकल टेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं मैंने सारे मेडिकल टेस्ट को इंक्लूड किया और सभी टेस्ट को एक अच्छी तरह डिटेल में बताया एक पर्टिकुलर वीडियो में। तो लाइक दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को जरूर लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी FMC से रिलेटेड है या फिर FMC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। आपके साथ मतलब जल्दी किसी और वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए या फिर चैनल को पहली बार देख रहे हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इन तीनों कंडीशन में चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल से जुड़ जाओ, आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें मिलते रहेंगी। आपके साथ मतलब जल्दी किसी और वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।